हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। क्लाउड। तो चलिए देखते हैं। आई एम ए क्लाउड, मैं बादल हूँ। क्वाइटली, शांत रूप से। आई फ्लाई थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्काई, मैं तैरता हूँ। मैं उड़ता हूँ पारदर्शी आकाश के ऊपर। एंड इन द हेवंस, और ऊपर ऊंचाइयों पर। हेवंस मतलब ऊंचाइयों से मतलब बताया है, और हेवन याने वैसे तो स्वर्ग होता है। आई ब्लूम इन टू ए लोटस, और मैं उसके रूप में कमल के फूल के ऊपर भी रहता हूँ। ये प्राकृतिक कविता है, प्रकृति के ऊपर आधारित है। अब ये कह रहे हैं, आई एम ए ब्रीज, मैं हवा हूँ। स्टिल्थली, शांत रूप से। आई ग्लाइड ओवर द बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की डालियों पर मैं तैरती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। एंड जेंटली, और श्रेष्ठ रूप से। आई शेक डाउन ए ड्रीम, मैं हिलकर किसी सपने से किसी को जगा देती हूँ। मतलब हम यदि सो रहे हो तो यदि हवा का झोंका एकदम से लगता है तो हम जाग जाते हैं। अभी इनके द्वारा कहा जा रहा है, आई एम वाटर, मैं जल हूँ। लेजरली, खुशी पूर्वक। आई फ्लो इन टू द स्लीपिंग रेनबो, मैं तैरता हूँ सोते हुए इंद्रधनुष के ऊपर, और उसमें से एकदम उद्गम होता है इसका। एंड गो इन परस्यूट, और जाता हूँ तो एक धमाका जैसा करता हूँ बहुत बड़ा। कैसा? ऑफ द साउंड ऑफ द टेम्पल गोंग, जैसे मंदिर का घंटा बजता है बहुत बड़ा, टन की आवाज़ आती है वैसा। आई एम ए फॉग, अब ये कहा जा रहा है, मैं कोहरा हूँ। शायली, सूखे और शांत रूप से। आई लुक फॉरवर्ड टू द राइजिंग ऑफ द रेड सन, मैं हमेशा देखता हूँ और देखता रहता हूँ उगते हुए सूरज के पहले। मतलब जब सूरज होता है तो कोहरा नहीं होता है, और जैसे सूरज आता है तो कोहरा गायब हो जाता है। ओवर द टावरिंग पीक, और ऊंचाइयों की, चट्टानों की जो चोटियाँ होती हैं ऊंचाइयों पर, वहाँ पर भी रहता हूँ। दिन में जब जैसे चला जाता है तो, एंड रिटर्न टू इट, और जब लौटता हूँ, इट्स जेंटल ब्यूटी, तो उसकी अपनी एक सुंदरता के साथ लौटना होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। नाउ आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। ये बर्ड बावर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप तैयार कर सकते हैं। तो आप तैयार करना स्टूडेंट्स, और यदि आपको समझ में आता है, पसंद आता है और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना है आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।